अस्सलामुअलैकुम, ईद मुबारक भाई। ईद छोटी हो या बड़ी, ईद ईद होती है और ईद है नाम खुशियां बांटने का। इसीलिए हम भी हाजिर हुए आपकी खिदमत में, आपके लिए खुशियां लेके आए हैं, आपके लिए आपके मनपसंद गेस्ट लेके आए हैं। इससे पहले कि मैं आपकी मुलाकात अपने गेस्ट के साथ कराऊं, मैं आप लोगों का बहुत 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 तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि द टॉक टॉक शो लाहौर स्पेशल को जिस तरह से आपने प्यार भेजा है, जितने आपने हमें अप्रिशिएट किया है, उसके लिए यकीन जानिए मेरी टीम के पास अल्फाज नहीं है। बट थैंक यू वेरी मच फॉर एम्ब्रेसिंग अस। अ बिग शाउट आउट एंड लॉट्स ऑफ लव टू ऑल द पीपल ऑफ लाहौर। तालियां। तो ईद, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, खुशियाँ बांटने का नाम है। आज है बड़ी ईद, और बड़ी ईद पे जो लोगों का जहन है वो जाता है खापे की तरफ थोड़ा ज़्यादा। आपने कंट्रोल करना है खाने पे, और अपने पेट पे आपने थोड़ा सा हाथ हल्का रखना है, क्योंकि बहरहाल ये पेट आपका अपना ही है। अगर इस पे आप जोर ज़्यादा डालेंगे तो तबीयत भी आपकी ख़राब होगी। खाने की जहाँ तक बात है, हमारे जो आज के पहले गेस्ट हैं वो हैं एक ज़बरदस्त फूडी, और क्योंकि ईद खुशियों का नाम है तो वो खुशियाँ बिखेरने के भी एक्सपर्ट हैं। इंतहाई एंटरटेनिंग पर्सनैलिटी के मालिक, इंतहाई मल्टी टैलेंटेड शख्सियत के मालिक, मेरे बहुत अच्छे दोस्त, हंसी मजाक के बेताज बादशाह, लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज गिव इट अप फॉर अहमद अली भट्ट। अब यहाँ जो बच्चा, ईद मुबारक। बस 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 बस, फैमिली शो, फैमिली नजर भी ना लगे ना, फूंक भी मारती मैं। बादशाह सर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ए वन, अल्लाह का शुक्र है, आपने बुलाया ईद वाले दिन, आपको शर्म नहीं आई? यार तालियां बादशाह के लिए, बादशाह हमारे शो में। बादशाह, ईद की बात भी होती है, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक आपके घर वालों को, सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू वेरी मच। हमारे सारे देखने वालों को भी आप एक बार ईद मुबारक। आपने बकरा किया, लेला किया, वेड़ा किया, क्या किया? संडा बकरे? हाँ, कितने? दो। हाय हाय हाय। बट साहब एक बात तो बताएं, माशाल्लाह आप इतने मल्टी टैलेंटेड आदमी हैं, यार आप होस्टिंग छोड़ क्यों नहीं देते, दूसरे लड़कों को दें कोई मौका, वो करे। बाप नहीं, मैंने कर लें। मैंने छोड़ी थी मगर कोई अच्छा आया ही नहीं, इसलिए मैं फिर से वापस आ। अच्छा, फिर जा वापस। नहीं यार, आप माशाल्लाह इतनी अच्छी होस्टिंग कर रहे हैं। देखें, आप पहले लोगों को, आप पहले उनके ऊपर उनके काम को क्रिटिसाइज करते थे। हाँ। आपका बड़ा अच्छा एक शो था, फिर किसी ने आपको कहा कि भैया आप बड़े अच्छे लग भी रहे हैं, आपने जेपीएन टू में काम भी किया। हाँ। वासे ने आप में ये कीड़े डाले। हाँ। और आज आप होस्ट हैं, और माशाल्लाह यू डूइंग अ वंडरफुल जॉब। स्टार से सारा क्रेडिट उनको जाता है जेपीएन टू में। सर वो तो जाता है, और थे कुछ बड़े अजीम किस्म के दो अशखास, वो थे कोई अहमद अली भट्ट साहब थे, वासे चौधरी, हुमायूं सईद। हाँ, ये तीन लोग थे, इन्होंने बड़ा एक्चुअली तो वो मुझे सपोर्ट कर रहे थे। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। बात तो ये है, तो कहने की तुम्हें मकसद ये है कि माशाल्लाह इतने मल्टी टैलेंटेड आप आदमी हैं, तो व्हाट्सएप क्या आपने अपने कैलेंडर में बारियां लगाई हुई है कि यार कि ये चार महीने मैंने ये करना है, ये दो महीने मैंने ये करना है, ये तीन महीने मैंने ये करना है? कैसे ये आपका जो प्रोग्रेशन है करियर का, कैसे आप डिसाइड करते हैं कि क्या करना है आगे? अब मैंने बल्कि कम कर दिया, अब तो बहुत ही कम कर दिया। अब कहते हैं कि जैसे जैसे टाइम थोड़ा सा गुजरता है और आप एक्सपीरियंस ले लेते हैं, अब नाउ माशाल्लाह आई हैव बीन इन द बिजनेस मोर देन 25 इयर्स माशाल्लाह। सो अब आप पे वो कहते हैं, फिर आप थोड़े से चूजी हो जाते हैं, यू नो, बेगर्स आर चूजर्स। आप हो गए चूजी? हम चूजी हैं जी, बड़े अरसे से चूजी हैं। अच्छा, हां जी। आजकल किस चीज पे ज्यादा फोकस जा रहा है होस्टिंग के अलावा? आजकल आप एक्टिंग भी नहीं कर रहे यार इतने अरसे से? अब नहीं, एक्चुअली मैंने तीन फिल्में की, तीनों डब्बों में बंद है। बंद हो गई, रिलीज ही नहीं हो रही। क्यों? तीन फिल्में। वजह? आई थिंक किस्मत पड़ी है शायद। मगर हालात ही सिनेमा के इतने बुरे हो गए हैं कि बेचारे प्रोड्यूसर्स, और मैं कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करता हूँ कि किसी ने भी अगर 10-15 करोड़ रुपया फिल्म पे लगाया हुआ है, दे आर नॉट विलिंग टू रिलीज द फिल्म अनलेस एंड अंटिल उनको पता है कि यार हमें 70-80 स्क्रीन्स मिले। हाँ। जो आपके 92-93 स्क्रीन्स थी वो अब आई थिंक बैक टू 65-63 स्क्रीन्स हमारे पास रह गई हैं, तो वो कहां से पैसे कवर करें? टीवी भी नहीं कर रहे आप, मतलब एज एन एक्टर झूठी? एज एन एक्टर आई थिंक उसके लिए मुझे कराची में, क्योंकि मैं बड़े कोई साल डेढ़ साल से आई एम
focusing more on Lahore. I'm focusing more apni family ke saath. And I'm focusing with a show that's going on. Yeah. Uske saath se mera khayal hai ki acting ke saath saath I enjoy hosting more. Yeah. So I'm back. I'm doing a lot of hosting. Music has also taken a back seat. म्यूजिक नए बच्चे बहुत अच्छे आ गए और बड़ा अच्छा होस्टिंग में नए बच्चे नहीं आए म्यूजिक में नए बच्चे अभी तक यार देखें होस्टिंग के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ हर तरह की होस्टिंग है कॉर्पोरेट होस्टिंग हो रही है टेलीविजन होस्टिंग हो रही है मॉर्निंग होस्टिंग है इवनिंग होस्टिंग है सो आई थिंक होस्टिंग के अंदर वी नीड अ लॉट मोर पीपल अभी तो बहुत कम लोग हैं बट सर पैसे ज्यादा किस होस्टिंग में I think पैसे होस्टिंग में ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। कौन सी वाली होस्ट? जो आप कह रहे हैं ना डिफरेंट डिफरेंट तरह। देखिए अवार्ड्स मैं नहीं कहूँगा क्योंकि अवार्ड्स जो हैं वो साल में इक्का दुक्का होते हैं ठीक है ना जो हमारी कॉर्पोरेट होस्टिंग होती है जो टेलीविजन होस्टिंग होती है दैट्स अ वेरी दैट्स द क्लोजेस्ट टू थिएटर दैट आई कैन गेट सो आई एंजॉय मोर यू एंजॉय इट मोर ऑब्वियसली यू होस्ट अ शो एज वेल जी जी उसका जो एक्सपीरियंस है मतलब ऑब्वियसली एक तो होस्टिंग होती है जैसे LSA पे आप लोग करते हैं या दूसरे अवार्ड शोज पे करते हैं वो तो एक आपकी सेट हुई है यार के बट साहब आ गए नहीं नहीं देखे मैंने इस दफा LSA नहीं किया यार नहीं किया लेकिन फिर भी आपने किया मगर मगर ताबिश ने बड़ा अच्छा किया बहुत अच्छा किया ठीक है फहद ने भी ठीक है नहीं बट बात ये हुई ना करते हुए भी आप काफी कुछ कर गए ऑडियंस में बैठे हुए भी तो जो टीवी होस्टिंग का जो एक्सपीरियंस होता है बिकॉज ऑब्वियसली यू मीटिंग न्यू गेस्ट एवरी डे कुछ के साथ आपकी अपने भी हो जाती है आर्ग्यूमेंट हो जाती है लोग कहते हैं यार कि होस्ट को न्यूट्रल होना चाहिए लेकिन फिर भी हो जाती है जज्बात आड़े आ ही जाते हैं सामने देखिए न्यूट्रल तो कोई भी नहीं है अब तो न्यूट्रल भी न्यूट्रल नहीं रहे सो हम कैसे न्यूट्रल हो सकते हैं तो एक बट व्हाट वाज योर मोस्ट चैलेंजिंग एपिसोड सो फार व्हाइल होस्टिंग या व्हाइल होस्टिंग योर शो आई थिंक बहुत से थे कुछ ऐसे एपिसोड्स थे जो ऑब्वियस बात है बिकॉज यू आर डूइंग कॉमेडी सो आपको एक रिस्पांस टाइम होता है कि जी 30 सेकंड्स बाद लाफ्टर लेना है लेकिन कुछ हमारे एपिसोड्स ऐसे गए थे जो बहुत ही सीरियस हो गए थे और कुछ ऐसे भी एपिसोड्स थे जिस तरह यूसुफ अली साहब का एक बड़ा आइकॉनिक एपिसोड था दैट स्टार्टेड एंड वी नॉर्मली रैप अप द एपिसोड इन टू आवर्स दो घंटे में हमारा ख़त्म हो जाता है वी रिकॉर्डेड दैट एपिसोड फॉर मोर देन फाइव आवर्स वाई इतना अच्छा वो बोल रहे थे और इतना सीरियस वो बोल रहे थे और पाकिस्तान की हिस्ट्री उन्होंने बयान की और वो दो एपिसोड्स पे गई और उसमें बहुत सी उन्होंने बातें की कुछ ऑन एयर नहीं हुई मगर आई थिंक दैट वॉज वन ऑफ द मोस्ट मीनिंगफुल एपिसोड्स फिर अमजद इस्लाम अमजद साहब अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे उनके साथ एक बड़ी मज़ेदार हमारी एपिसोड थी तो बड़े आइकॉनिक लोग आए हैं और बड़ी अनएक्सपेक्टेड से आप कहते थे आई थिंक वो इफ़त वाली एपिसोड कुछ ज़्यादा ही वायरल हो गई जो हम लोगों ने इतना प्लान नहीं किया हुआ था तो यस बड़े मतलब यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि यार ये चीज़ अच्छी जाएगी कि नहीं गेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है बिल्कुल गेस्ट के ऊपर करता है गेस्ट अच्छा हो ना गेस्ट अच्छा हो हाँ तो क्या ही बात है वाह आज के एपिसोड की रेटिंग डिटरमिन करेगी कि गेस्ट कैसे थे सर देखें गेस्ट अच्छा हो मैटर ही नहीं करता कि होस्ट कौन है मैं काट हूं जाना दिया दे उसे तू ही कर लो नहीं नहीं मुझे ये बताएं अब आप माशाल्लाह सीनियर होस्ट हैं आप हैं सीनियर सीनियर होस्ट सीनियर होस्ट है वो टिप्स ही दे दें यार क्योंकि गेस्ट अगर किसी दिन तपा हुआ आए कोई अच्छे मूड में नहीं है तो क्या करना चाहिए सबसे पहले आपने कहा यार क्या कमाल लग रहे हैं आप टाइम पे आ जाते तो क्या ही बात थी एक कॉम्प्लीमेंट था एक कॉम्प्लीमेंट था मूड सेट हो जाता है मूड सेट अच्छा कुछ ऐसे गेस्ट होते हैं आई एम श्योर यू लग रही वो आते सार ही ना साथ ही ना दे थ्रो देयर वेट अराउंड टू एस्टैब्लिश देयर टेरिटरी के यार अब मैं आ गई हूं या मैं आ गया हूं और ये क्या हुआ है मैं गाड़ी क्यों नहीं टाइम पे आई ये क्यों नहीं हुआ आपने डायरेक्शन क्यों नहीं दी ये टक अच्छा ये बंदा नहीं कभी करेगा नहीं करेगा क्यों क्या ये आपको भी पता है आप किसकी बात कर रहे हैं शर्म करें लेकिन क्या होता है इस तरह की सिचुएशन आई थिंक वो इसलिए भी होता है कि मैनू चिढ़कना पे तो मैं पहले ही मतलब नहीं होता कि यार इससे पहले कि मुझे डांटे मैं उनको डांट दूंगी तो ये बहुत लोग इस तरह की टैक्टिक्स करते हैं ये अच्छी टैक्टिक मगर मैं वक्त का जरा पाबंद हूँ मुझे अल्लाह का शुक्र है नहीं नहीं आप तो आज भी टाइम से आप बल्कि आप ईद से पहले ही आ गए मैंने आपने कहा था मैं तो ये देखें हम 15 दिन पहले रिकॉर्ड कर रहे हैं बट सर विद योर परमिशन मैं एक गेस्ट को और इनवाइट करना चाहूंगा आप इजाजत दें बैठ जाओ नहीं नहीं करें करें करूं या बैठ जाऊं करें करूं मैं आपकी कौन है कौन वैसे है कौन पता नहीं मैं अभी देखता हूं नाम लेता हूं वो चिराग ऐसे रब करके हो सकता है कोई गेस्ट ऐसी आ जाए सर मेल या फीमेल ये आपको क्या चाहिए सर फीमेल अच्छी होनी चाहिए फीमेल हो तो अच्छी हो और कोई ऐसी होनी चाहिए कि अगर जिसके साथ हम मजाक करें तो कोई लफड़ा ना हो बिल्कुल ऐसे ही है आई गॉट यू खातिनो हजरात वक्त हुआ चाहता है हमारी अगली गेस्ट को इनवाइट करने का जैसे बट साहब दबंग है वैसे हमारी अगली गेस्ट भी दबंग है
शी डज नॉट होल्ड बैक फ्रॉम गिविंग हर ओपिनियन. मजाक भी बहुत अच्छा कर लेती हैं, शुगल भी बड़ा अच्छा लगा लेती हैं, और जोक तो ऐसे मारती हैं कि मैं आज थोड़ा सा डरा हूं कि मुझे ना कोई दो चार जोक मार दे. एक्ट्रेस भी बड़ी अच्छी हैं. लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज गिव इट अप फॉर मरियम नफीस. अस्सलाम वालेकुम मरियम, ईद मुबारक, ईद मुबारक, वेलकम वेलकम वेलकम. बड़े प्यारे लग रहे हैं आप दोनों. अरे थैंक यू थैंक यू. ज्यादा प्यारा कौन लग रहा है मरियम? दोनों बहुत प्यारे लग रहे. ज्यादा कौन? आई लाइक द ब्लिंक. यू लाइक द ब्लिंक? आई लाइक द ब्लिंक, आई लाइक द पिंक. सो इट्स लाइक वो उससे छोटी ईद की चांद, वो स्पार्कलिंग पहनी हुई है, वो लग रहा है कि किसी नहीं होती थी वो पुरानी सिगरेट की डब्बियों का वर्क अंदर से इस तरह का होता था. उसने जैकेट पहनी हुई आज. आई डिडंट गेट द मेमो. लेकिन आपने तारीफ की है तो आप वो बाहर बाहर तो नहीं. आपका पॉकेट्स को भी बड़ा प्यारा लग रहा है. ये मेरी बेगम आपको. थैंक यू मरियम फॉर कमिंग टू माय शो. थैंक यू फॉर हैविंग मी. सच अ प्लेजर. लाइकवाइज. यार मैंने देखा आप बड़े वो वन लाइनर्स आपके बड़े विटी होते हैं, बड़े मजे के होते हैं. एक तरफ आप हैं, एक तरफ बट साहब हैं. मैं तो जैसे आप आई हैं ना तो एकदम जरा मतलब प्रॉपर हो गए. प्रॉपर. थैंक यू. आप आई मेरे साथ. अब बट साहब आप आ गए. मतलब यार ये क्या है यार? ये मेरी पर्सनैलिटी के दो हिस्से हैं. खुला तजाद है. क्या करें दो ही है ना. आप दिखे ऐसे तो फिर आपके साथ मैं ऐसे दिखूं तो फिर आप यहाँ होंगे. अच्छा भाई ईद है. ईद ईद मुबारक मरियम आपको. आपको भी बहुत. यार मुझे सुना आपने कोई बकरा शकरा भगा दिया था, अपना गाय भगा दी थी. ये क्या स्टोरी है बताएं? हाँ ना वो तरस आना शुरू हो जाता है यार. यार ये बताएं ना जरा बट साहब जरा. घर वालों को पता था कि आपने भगाया? नहीं. आप पता है एक बकरा कितने का आता है? कितने साल पहले की बात है? ज्यादा नहीं, बस थोड़ी. कम से कम 60-70 हज़ार का बकरा तो होगा. लाख डेढ़ लाख का तो होगा बकरा. और वो भाग गया. और वो अभी भाग गया या भगाया आप? अभी मोड़ पे गया होगा, किसी और ने छुपा कर दिया. और जैसे जहाँ पंछी जी ली अपनी गो. नो सो बट द थॉट वाज कि यार कि उसको जिबा होते हुए नहीं आप देख सक रही थी. जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी. आपने नाम रखा था उसका कोई? नहीं, नाम भी नहीं रखा. मैं कोशिश करती हूँ वैसे कि मुझे ना देखना पड़े. ना देखना पड़े ज़िबा होते हुए या सिर कलेजी? नहीं, देखना ही ना पड़े. देखूं ना बस कलेजी. आपको पता है मैं कुर्बानी का गोश्त नहीं खा सकती फॉर सम रीज़न. वैसे गोश्त खा लेती हैं आप? वैसे गोश्त खा लेती हूं. वो भी किसी का बकरे का पुत्र सी या बकरी का बच्चा? आज ही मैंने बड़ी बातें सुनी है इसके ऊपर. मतलब ये क्या बात है? आई नो ये बात सब ये तो ज्यादा है असल. तो नहीं नहीं सर, देखें उन्होंने आते साथ ही कहा है कि देखिए मेरे से इनजस्टिस बर्दाश्त नहीं होता. नहीं होता. मगर जो दो प्लेट उन्होंने टिक्के भी मंगवाए हैं. यार तो ये खाली बकरों के लिए रिजर्व्ड है या मुर्गियों के साथ भी आपका ऐसी ताल्लुक है? मुर्गियों के साथ भी मेरा ऐसी ताल्लुक है. कितनी क्यूट होती हैं वो. हाँ. और कितनी मजेदार होती है जब वो कढ़ाई में होती है ना, उससे भी ज्यादा क्यूट लगती है. तो लेग पीस तो कभी आपने नहीं खाए होंगे? खाया है ऑफ कोर्स, लेकिन कोशिश करती हूं ना ही खाना. देखिए आपके सामने कोई चीज जब ज़िबा हो रही होगी ना तो आप नहीं खा सकते फॉर सम रीजन. या आप शायद खा सकते हो मुझे आपको देख के लग रहा. दो मिनट बाद उसे कहते हो हां जी बिस्मिल्लाह करो, नमक पा लो, मेजियां खाओ. इट्स सेंसिटिव मेन. अच्छा ठीक है, चले जी मान लिया. अच्छा आप सिर्फ खाने की हद तक ही ये है या और भी चीजों में आप इतनी मतलब sensitive है when it comes to acting? Well, it yeah, definitely. अच्छा ये like what? That's why that I don't do a lot of acting. अच्छा you it don't do a lot of acting, why? One, because there are a lot of reasons, but of course one of it is that it takes a toll on me. अच्छा 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 वो इस तरह का किरदार आप करें. method actor हैं आप? वो method actor हूँ मैं. sir देखिए ना हम वो glycerin वाले नहीं हैं. ये मतलब female गोहर है. छोटी ईद और बड़ी ईद के दिनों में आपका फर्क होता है रूटीन? सुबह उठते साथ ही जिम जाता हूँ और जिम जाके मैं, हालांकि जिम बंद होता है, मैं जाके इसे सलाम करके वापस आ जाता हूँ. यही तो आपको पता है उठते साथ ही नमाज होती है, उसके बाद उसके बाद कब्रिस्तान जाते हैं. ओके. उसके बाद फिर नाश्ता होता है. अच्छा. और नाश्ता नॉर्मली या तो बिडन रोड होता है या डिपेंड करता है कि भाइयों का, क्योंकि हम सारे भाई इकट्ठे वगैरह होते हैं माशाल्लाह. तो अब खैसे बच्चे भी बड़े हो गए हैं माशाल्लाह, तो कोई 8-10 लोगों का ही जो टोला है पहले डिसाइड करता है कि किसने निहारी खानी है, किसने हलवा पूड़ी खाना है. तो बच्चों का डिमांड अलग होती है. अब वो हलवा पूड़ी बर्गर वाले भी बच्चे हैं. हाँ. तो इसलिए हम लोग 2-3 जगह हमारे डिवाइड हो जाते हैं नाश्ते. अच्छा. जिन्हें अंदरून शहर जाना है उधरों लाया के लस्सी लाया के एक जगह इतने इकट्ठा हो जाता है.
तो सबकी बारियां लग जाती है, उन्हें ऐप पढ़ना, उन्हें ऐप पढ़ना, उन्हें ऐप पढ़ना। मतलब नॉर्मली हम लोग अब न्यूट्रल ग्राउंड पे आ जाते हैं जो कि गुलबर्ग में बुंदू खान है, क्योंकि वहाँ तीन चार चीजें एक साथ मिल जाती है तो बच्चे वहाँ बड़े खुश होते हैं। तो कुर्बानी किस पॉइंट पे फीचर करती है इस पूरी रूटीन में? कुर्बानी काफी चल रहा है, बाहर ही चल रहा है सब कुछ। हम लोग कुर्बानी करते हैं दूसरे दिन, हम लोग पहले दिन नहीं करते। अच्छा, बहुत महंगा होता है कसाई। एक तो पाउंड भी उस दिन उत्ते होता है, अगले दिन IMF ही कहते पा जी जरा प्राइस आ जाओ, और आप दूसरे दिन मोर रिलैक्स्ड। बकरा भी ईद वाली रात नहीं लगते फिर? नहीं नहीं, सस्ता मिलता है। आई बेट हम लोग अभी जिस तरह भी इस ईद पे भी हमने 1.5-2 महीने पहले, देयर इज अ फ्रेंड ऑफ आवर्स, उनका फार्म होता है, हम लोग अपना पहले से ही हिस्सा डलवा देते हैं, बुक करवा देते हैं, वो फिर उसी में हम लोग कुर्बानी वगैरह कर के गोश्त हमारे पास आ जाता है, हम लोग बांट देते हैं। तो ईद के पहले दिन आपने हलवा पूड़ी निहारी शारी ये सारा सीन हुआ, 10-15 किलो सोना, दोपहर को सोना, खाना खाना, फिर सो जाना, फिर चाय के वक्त उठना, सो जाना, फिर रात का खाना और फिर सो जाना, फिर खाना, अगले दिन कुर्बानी कर ली जदूँ। हाँ, इसमें तो मैं भूला नहीं, फातिमा का एक पूरी वो ट्रेडिशन होती है कि सुबह तैयार करना, किसको? सबको जी, मुझे भी और अजान को भी और घर वालों को भी। फिर दोपहर के खाने के साथ तस्वीर एक होती है, तो उसके लिए प्रॉपर तैयारी शारी, और फिर रात को, तो एक वो एक ट्रेडिशन हमारी चल रही है। ठीक है मरियम, व्हाट्स योर ईद डे लाइक? और आपका बड़ी ईद और छोटी ईद में फर्क है? बहुत फर्क है, बहुत फर्क है, बताएं ना क्या फर्क है। सो छोटी ईद इज अ लॉट ऑफ, अभी क्योंकि मेरी रिसेंटली शादी हुई है, सो दिस विल बी माय सेकंड बड़ी ईद। तो उससे पहले जो छोटी ईद होती है वो इजी होता है ना, क्योंकि माय हस्बैंड इज़ द ओनली चाइल्ड, तो हम उनकी अम्मी अबू की तरफ जाते हैं, माय पेरेंट्स लिव इन इस्लामाबाद, तो मैं दूसरे दिन इस्लामाबाद चले जाते हैं, हम पहले दिन किसी एक के घर दावत, दूसरे के घर दावत, तीसरे के ईदियाँ मिल रही हैं अभी तक मुझे, तो इट्स नाइस, इट्स वेरी फन। दूसरा दिन इज़ अ लिटिल हेक्टिक बिकॉज कुर्बानी, अब खुद जिम्मेदारी आ गई है ना कि कुर्बानी करवानी है, लेकिन माँ बाप के घर में तो बस जब सब कुछ हो जाए तो हमें उठा देना, हमें कुछ यार, आप तो बकरे भगाने वालों में से, आपकी क्या जिम्मेदारी आई है? आई नो बट वो, सो हमारे, हम अपार्टमेंट्स में रहते हैं तो सामने नहीं कुछ भी होता, वी गेट इट डन समवेयर एल्स, बट जब वो गोश्त आ जाता है उसको बांटना और वो सब कुछ करना, आई एम जस्ट लाइक आई मिस माय मदर प्लीज। So, yeah, it's just, अब थोड़ा काम करना पड़ जाता है। अच्छा, आप कुकिंग करती हैं इसका मतलब? अच्छा, मतलब खाना पका लेती हैं। अगला सवाल ऐसा, आप आए कराची, मेरा अगला सवाल यही था, ईद की गो टू डिश क्या है आपकी? ईद की गो टू डिश वुड बी, सो मेरे पेरेंट्स के घर वाज ऑलवेज पुलाव एंड कलेजी एंड ऑल ऑफ दैट, माय हस्बैंड इज अ लिटिल गोरा ऑन सम, so you know he's okay. got like his chops or nahi unko tradition, he doesn't like biryani, he doesn't like salans, so wo unke kehte mujhe chops bana de mujhe chops chops you know si champa aate hain ha basically champa acha acha to wo champa nahi khate aapke husband ka naam burger hai apparently he was married to one but yeah I married one but uske alawa to kuch nahi khana so नहीं नहीं ये सर ये वो पेंडा जनरेशन है, ये फोन उस पे, मैं अब मुझे पता नहीं ना ब्रांड्स आ गए बहुत दाल ले लिया आपने। अच्छा आपकी क्या यार गो टू, जब कुर्बानी का गोश्त आ गया, जिबा हो गया बकरा या बकरे या गाय या, सबसे पहले तो कलेजी पकती है, ड्राई कलेजी पकती है, ड्राई कलेजी ड्राई वो तो उसी वक्त कोई 1.5 घंटे में ना तैयार। मगर गो टू डिशेज 2-3 होती हैं, क्योंकि माशाल्लाह खानदान भी माशाल्लाह बढ़ाया गया, एक तो पाए पाए पकने हैं, और उसके साथ साथ अगर गोश्त का पुलाव बना हुआ है तो उसके साथ मुर्गी की पालक होगी, देसी मुर्गी। अच्छा, लेकिन अगर नॉर्मली अगर पाए हैवी पके हुए हैं तो कभी कभार निहारी भी पक जाती है, सो डिपेंड करता है कि मूड क्या है, लोग कितने हैं, और वेरिएट करता रहता है, मगर गो टू डिश आई थिंक पाए 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 तो नंबर 1। और ये फातिमा बनाती है? फातिमा भी बनाती है, मेरी भाभी भी एक्सीलेंट कुक है, वो तो आपको पता ही है। ये बेचारी औरतों की जो ईद है ना वो किचन में गुजर जाती है। ये तो है। हाँ तो अच्छी बात है। अगर अगर बंदा सारा दिन बाहर बेचारा मथा पा के आके, तो अगर औरत ईद वाले दिन अगर वो किचन में है और अगर वो खाना पका रही है और पूरे घर होस्टिंग हो रही है और सारा कुछ, तो इट्स अ ट्रेडिशन जो के मतलब सालों से चलती है। और अगर औरत भी काम करी बाकी दिनों में, बेशक सौ बिस्मिल्लाह, तो फिर मर्द हेल्प आउट कर रहा है कि नहीं? मर्द हेल्प आउट करता है, देखें ये जो कहते हैं ना कि मर्द हेल्प आउट नहीं करता, ताड़ा बर्गर नहीं करता, मगर ऐसी करते हैं, ठीक है जी, हम करते हैं, हम हेल्प आउट करते हैं।
मैं बड़ा किलर सलाद बनाता हूँ, मैं अच्छा। रायता बड़ा अच्छा बनाता हूँ भाई, ये टमाटर प्याज खीरा काटते हैं। नहीं, और मैं यार आई लव कुकिंग, मैं आज भी अपना खाना खुद बनाया था। अच्छा, आई लव कुकिंग। आज क्या बनाया आपने? आज मैंने बनाया था चिकन चिली टाइप का था, मगर उसके अंदर मैंने देसी तड़का थोड़ा सा लगा दिया था। चिकन चिली टाइप था तो उसमें देसी, मगर मैंने हाँ वो देसी तड़का इसलिए लगाया था क्योंकि मैंने लाल प्याज किया हुआ था, मैंने उसके अंदर लाल प्याज भी डाल दिया और बड़ा अच्छा बन गया। ठीक है मरियम, आप जो बनाती हैं डिश आज तक की आपकी जो बेहतरीन, जो जिसकी एक्सपर्ट हैं आप, वो कौन सी डिश है? मुझे सब कुछ बनाना है। और ले फिर भी सभी झूठ बोल देते हैं अच्छा बना है, जो हमारे भाईजान को बड़ी पसंद है। अच्छा वो आलू? नहीं नहीं, ये सबसे अच्छे आलू बनाती हैं। आपको ना एक टिफिन में थोड़ा सा ले आना चाहिए था, मैं आपको बना के खिलाती हूँ। आप बना के खिलाएं। कितना बेचारा भूखा होस्ट है, उस वक्त ना ही चाय पूछी है ना ही बिस्किट, ईद का दिन है, कोई बंदा कुछ खिला देता है, कोई मिठाइयां मिठाई नहीं रखी, कोई गोश्त का पैकेट ही दे देता बादशाह गोश्त का है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, हमारे हमारे मुल्क में बड़ी ईद इज आल्सो सिनोनिमस विद न्यू फिल्म कमिंग आउट। ओए बकरा ईद आ गई, 8-10 फिल्में थे आई ही आई हैं। मौला जट फिर तो रिलीज हो रही है। अगली 4 ईद आते मौला जट रिलीज हो रही है। इस साल भी कुछ 6-7 फिल्में लाइनअप हुई हुई हैं। हाँ पैरेटी हुई हुई है। हाँ आई थिंक यासिर की वो फिल्म आ रही है ईद पे। हाँ हालांकि इट्स इन बैड टेस्ट, इस तरह की फिल्म ईद पे नहीं देखनी चाहिए। मगर आई हर्ड यासिर इज गॉट अ फैंटास्टिक यारियां आ रही है जिसमें 3 डायरेक्टर्स ने काम किया है साथ में, नदीम बेग साहब, मदीना खान साहब। अच्छा दैट्स अ फिल्म, आई थॉट आई वाज अंडर द इंप्रेशन नो इट्स अ फिल्म, इट्स अ फिल्म। एक फिल्म में 3 डिफरेंट स्टोरीज। वाह वेरी नाइस, आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड। तो एंटरटेनमेंट के लिए आप लोग क्या करते हैं? आम आवाम तो यही रह जाती है, ज्यादा से ज्यादा फिल्म देखने चले गए यार। आप लोग क्या करते हैं ईद पे? सर मैं आपका शो देखता हूं। हाय ओह हाय बाहर चले गए कहीं लॉन्ग ड्राइव पे चले गए यार। हमारे इस्लामाबाद में एक ट्रेडिशन है कि हम उस्मान खालिद भाई जी जी वो उनकी फैमिली आपा हम सब इस्लामाबाद के जितने लोग हैं हम सब वो हमें हम सबको आइसक्रीम खिलाने लेके जाती हैं। आइसक्रीम आए ऑल द बर्गर्स टुगेदर, वाओ सच अ फैंटास्टिक या लाइक यू नो हाउ इट इज ऑल बर्गर्स जब इसे कहना उस्मान भी है मैंने कहा वो बर्गर एंड अ पिज्जा टुगेदर वाओ दैट्स अमेजिंग। Yeah, so you know Harris. Yeah, I love him. He's a darling. So, बस हमारी छोटी छोटी then with family and with friends, रिश्तेदार। अब ससुराल ज़्यादा बड़ा है तो अल्लाह का शुक्र। शुगर मेला चलता रहा। बट साहब आपकी क्या होती है एंटरटेनमेंट यार? आप तो आपने बड़ी फिल्में की हैं जो आपकी फिल्में ईद पे आई हैं। हाँ यार मैं एक्चुअली हम लोग सेकेंड डे पे ही ज़्यादा होता है बिकॉज फर्स्ट डे पे ना हमारा जाना बहुत होता है, मेरी फुफुओं के पास होता है, अपने कजन्स वगैरह के पास, तो कोई मिला मिलू के 15-20 घर हैं माशाल्लाह, माशाल्लाह हाजिरी वगैरह लगती है। तो सेकंड डे पे इट्स क्योंकि हमारे यहाँ लंच हमारे यहाँ डिनर होता है। अच्छा फिर रात को अगर कोई फिल्म हो यहाँ या देखनी है तो फिर पूरी फैमिली निकल। ऐसा हुआ आपकी फिल्म लगी हुई है ईद पे और ले गए आप? हाँ मैंने JPA ने कितनी दफा दिखाई थी, कोई ऑलमोस्ट 7 दफा मैंने JPA ये आपने आई थिंक उस पर पोस्ट किया था। और मैं मतलब भाई खानदान वालों को कुछ 3-4 तो वो थे, फिर दोस्त यारों को लेके गया, फिर एक अपने वर्क वाले लोग थे उनको लेके गया, सो कोई मिला मलू के मैंने 7 दफा पेड खुद टिकट पेड। अच्छा खुद ली है पेड? नहीं यार आप अपनी फिल्म को नहीं मतलब सपोर्ट करेंगे तो फिर किसको। अच्छा मेरा एक सवाल है कि तो आप जितने लोगों के घरों में जाते हैं अपने रिश्तेदारों के तो एक ही अटायर में जाते हैं या चेंज होता रहता है? नहीं देखिए मेरा नाम महविश याद नहीं है, मैं एक ही शलवार कमीज में जाता हूँ ठीक है, या उष्णा नहीं है माशाल्लाह, उष्णा महविश वगैरह ये लोग आपको पता है ये हर घंटे बाद अपने कपड़े बदलते हैं ईद वाले दिन, और फिर वो तस्वीर भी ओ बल्कि माया माया सबसे ज्यादा कपड़े बदलती है भाई, पैसे मिल रहे होते हैं ना वही ना, सानू केड़ा पैसे मिलते हैं भाई, गाल सुनो तो अनु बड़ा पता है कौन कितने बारी कपड़े बदल रहा है, मैं भी इतने बार बदल रही है, उष्णा इतने बार बदल रही है, माया इतने बार बदल रही है, मेरी गाल असली पता है क्या, सुनो 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 ईद ते इंस्टाग्राम देखते रहने ना कुड़ियां सारी गल है ते और की हुंदा ईद ते दिन ऐसे देखने अच्छा नया जोड़ा पाया
और आपने लाइक भी करना होता है, वो मैविश लुकिंग नाइस एट 9 AM, मैविश लुकिंग फैंटास्टिक एट 2 PM, मैविश लुकिंग रैविशिंग एट 8 PM. तो आपने हर एक, क्योंकि ये सब दोस्त हैं, आपने हर एक दोस्त को कमेंट करना, सपोर्ट करना होता है। यस, यही तो है सपोर्ट एंड डिस्ट्री। आपकी कितनी आउटफिट है, आपने उनसे पूछा, मैं आपसे पूछता हूं, एक ही आपका भी एक आउटफिट है यार, मरियम ने नहीं फॉलो करे तुसी, देखिए वो जो सारी तस्वीरें हैं ना वो पहले खिंच चुकी होती हैं। अच्छा, लेट्स बी वेरी रियल पीपल, डिस्क्लेमर, फन फैक्ट, वो तस्वीरें पहले खिंच चुकी होती हैं, वो हाँ। हमने उसी दिन की पोस्टिंग्स लगानी होती हैं, बाकी जो हम वैसे तो बहुत कंफर्टेबल कपड़े में ये 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 मैं लड़कियों के साथ थोड़ा सा सिंपैथी करता हूँ, बिकॉज इनको एक तो बहुत ज़्यादा जोड़े आते हैं और इन्होंने 3 से 4 चेंजेस करने होते हैं, बिकॉज ईद इज़ ऑल अबाउट द लुक्स एंड ईद इज़ ऑल अबाउट द फैशन एंड एवरीथिंग, सो इट्स रियली टफ फॉर देम। नो, बट टेक्निकली यू रिपीटिंग योर आउटफिट ऑन ईद देन? We sometimes do. Because you've worn it already. We do. Gunaya Kabira ta nahi hai ga. Nahi, aur usi din to tasveer lagani hoti hai, shoot pehle kiya hua hota hai na, tasveer usi din lagani hoti hai. But you wear the same outfit on either. Yeah. Sometimes, yes. Okay, cool. Why not? फातिनो जात, बड़ा मजा आ रहा है, मरियम है यहाँ पे, अहमद है, मैं भी हूँ, छोटा चाय भी है, चाय भी आ गई है, रिक्वेस्ट करेंगे अपनी टीम से कोई क्लेजी शेजी भी हो जाए तो मजा दोबारा हो जाए। आपने कहीं नहीं जाना, विल बी बैक आफ्टर अ रियली शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक, ईद मुबारक यार, हम यहाँ पे। अच्छा, ये इतने चिल्ला क्यों रहे हैं? मतलब हम यहाँ बैठे हुए हैं, माइक भी लगा हुआ है ना, उन्होंने कहा कि आज एनर्जी और जोश से बात, तो एनर्जी यूं भी हो सकती है। वेलकम बैक, ईद मुबारक ख्वातीन हज़रात, दोबारा करता हूँ, वेलकम बैक, ईद मुबारक ख्वातीन हज़रात, ये देख रहे हैं, वेलकम बैक, ईद मुबारक ख्वातीन हज़रात, ये वेरी गुड, बच्चा बैठे हैं, मरियम बैठी है। यार एक बात बताएं, आप लोगों का बहरहाल कॉन्टेंट से ताल्लुक है, तो आजकल जो हमारा हमारे मुल्क में कंटेंट बन रहा है, जो ड्रामे बन रहे हैं, जो फिल्में बन रही हैं, आपकी तो पहले ही हंसी छूट गई इस बात पे। ऐसा मैंने क्या सवाल पूछा आपसे? मुझे लगा मैंने बड़ा सीरियस इंटेलेक्चुअल किस्म का सवाल पूछा। बहुत अच्छा सवाल है ये, अ लॉट ऑफ पीपल आर आस्किंग दिस क्वेश्चन अ लॉट। हाँ, वो देखते नहीं है ये, मैं आपको बताऊं, आपका बॉय जो है वो देखता 15 ड्रामे हफ्ते के, ऐसे आप वो हाज वाले ड्रामे की तरफ तो नहीं इशारा करने लगे? नहीं नहीं, सारे ड्रामे, सारे ड्रामों की बात कर रहा हूँ। कैसे आप लोग देख रहे हैं? आप लोग देखते हैं, आप लोग ड्रामे देखते हैं, आप भी नहीं देखते? आप यार वैसे एक बात बताएं, बुरा मत मानिएगा, ये जितने एक्टर्स से मैं ये पूछता हूँ बात, कि आप लोग कंटेंट देखते हैं जो पाकिस्तान में बन रहे हैं, वो कहते हैं हम देख नहीं रहे, तो जब आप लोग खुद नहीं देखेंगे तो अच्छा कैसे बनेगा? तो हम भी तो यही कह रहे हैं। एग्जैक्टली, लेकिन अच्छी स्क्रिप्ट, आप मुझे बताएं, मैं ज्यादा काम क्यों नहीं कर रही? क्यों नहीं कर रही? मुझे क्या पता है, देयर आर नो गुड स्क्रिप्ट्स, देयर आर टेरिबल स्क्रिप्ट्स, and once there is a script that is good, they'll be like, oh, आप तो गरीब ही नहीं लग सकती, आप ये अमीर ग्रे कैरेक्टर ले लें जो फजूल में तबाहियां मचा रही है आपके साथ। ये obviously आपने जो ज्यादातर किरदार किए हैं ये अमीर और ग्रे, और अमीर और पॉजिटिव क्यों नहीं हो सकता? I've been told, that's what I've been telling them, that dude, if you want to do it, आप लोग क्यों, अमीर लड़कियां क्या अच्छी नहीं होती? सारी अमीर है तो बस वो, मैं क्या बोलूं, यही कर रही है बस, और प्यार सिर्फ उसको, हम तो फिर ऐसे ही बैठे होते हैं, हमसे क्यों प्यार गरीब औरत को ही हो सकता है, अमीर औरत को नहीं हो सकता? अमीर औरत की क्या आपको लगता है ख्वाहिश होती है? अमीर औरत की ख्वाहिश होती है कि और कोई अमीर औरत और क्या ख्वाहिश होती? तो फिर सच ही हुआ ना, तो क्लोज टू रियलिटी है, मगर गरीब की क्या है? दैट्स नॉट ट्रू। गरीब औरत की क्या है? उसको और ज्यादा गरीब मिल जाए, उसकी भी यही ख्वाहिश है कि भाई उसको भी एक कोई प्रिंस चार्मिंग मिल जाए, कोई फवाद खान मिल जाए। हाँ, ये तो हर एक ही है यार। फवाद खान आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं, सुना है मैंने। अच्छा, उनके बारे में बताएं। ठीक है, अल्लाह की शुक्र, ठीक है, बस इतने ही बताएंगे आप उनके बारे में। वो अपनी ईद कैसे मनाते हैं यार, ये तो बताएं। उनसे पूछ ले। वो अपनी फैमिली से पैसे नहीं उनको बुलाने के। मैं आपको बताता हूँ वासे कैसे ईद मनाता है, ठीक है जी। हुमायूं मैं आपको बताता हूँ कैसे ईद मनाता है, बल्कि मैं नदीम बेग के बारे में बताता हूँ। नदीम कैसे? हाँ, नदीम बेग साहब के बारे में बताएं। सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है मैं ये जानने में कि नदीम बेग साहब ईद कैसे मनाते हैं। नदीम बेग साहब मेरे ख्याल है एडिट रूम में ईद मनाते हैं पहले, क्योंकि भाई जितनी फिल्म, क्योंकि हर ईद ईद पे उनकी फिल्म आती थी। सो मैंने नदीम को ये मेरे ख्याल है इस साल नहीं आई कोई फिल्म, लेकिन यारिया में डायरेक्ट किया, मगर मेन फिल्म जो होती थी, मगर आई हैव ऑलवेज सीन हिम ऑन द एडिट रूम। ईद से पहले खप मची हुई है, ठीक है, और ईद वाले दिन भी नदीम को टेंशन हुई है। मैं भी शायद, और उष्णा कैसे ईद मनाती हैं, और माया यार देखें, उष्णा माशाल्लाह
नहीं नहीं उषा की अभी शादी हुई है जी जी, आई थिंक अब वो गोल्फ पे होगी ईद वाले दिन सर, गोल्फ कोर्स सर, वंडरफुल, ठीक है आई थिंक उनके जो हस्बैंड है वो भी ही इज अ प्रोफेशनल गोल्फर। यस ऑफ कोर्स। तो मैविश क्या कर रही होंगी ईद पे आपको लगता है? मैं मैविश बिरयानी ढूंढ रही हूं, शी लव्स बिरयानी, ठीक है। और माया माया एक फोटोग्राफर ढूंढ रही है। माया सॉरी यार, इन्होंने कहा, मैंने नहीं कहा, इन्होंने कहा माया पहले नाराज मेरे से आजकल। अच्छा क्या कहा तुमने बाद में? अच्छा वो मैं आपसे पूछ रहा हूं कंटेंट, हां आप लोग फ्री टाइम पे फिर क्या देखते हैं, क्या देखना पसंद करते हैं? मैं अपनी बेगम की शक्ल देखता हूँ फ्री टाइम में। मैं नॉर्मली एक्चुअली व्हेन आई एम फ्री, मैं और फातिमा और अजान, वी मेक अ प्लान टू डू सम एक्टिविटी। अब जिस तरह फ्राइडे या सैटरडे नाइट्स वी ट्राई टू गो टू द सिनेमा, या हम लोग कोशिश करते हैं कि कहीं हम लोग कहते हैं स्विमिंग के लिए चले जाएं। हाँ। मतलब ट्राई टू डू। रात के 1 बजे क्या कर रहे होते हैं? रात को 1 बजे बेटे वो बातें बताने वाली थोड़ी। असल तो मैंने आपसे सवाल ये पूछा था कि आप किस तरह का कंटेंट देखना पसंद करते हैं। नहीं मैं कंटेंट घर में हमारे ना ड्रामे देखे जा रहे हैं, और स्पेशली अर्तुगुल के बाद आई थिंक अभी जो नया एक आया ऑटोमन एम्पायर के ऊपर, वो अभी घर वाले काफी देख रहे हैं। टर्किश कंटेंट आप ज्यादा फॉलो? हाँ जी, टर्किश कंटेंट घर वाले ज्यादा देखते हैं, मगर आई थिंक न्यूज की वजह से ना वो इतना एक, क्योंकि न्यूज ही हमारी इतनी टाइम ले जाती है, और एक नए से नया ड्रामा, नए से नया सिटकॉम, नए से नया यू टर्न, और नए से नया हीरो की एंट्री, और सास बहू सब कुछ आपको न्यूज़ में नजर आ रहा है। मरियम, व्हाट डू यू लाइक टू वॉच? आई लाइक टू वॉच नेटफ्लिक्स, ओके, अमेज़न प्राइम, आई मीन ऑल द थिंग्स दैट ओटीटी प्लेटफॉर्म। उसके ऊपर किस तरह की चीजें आप फिल्में देखना पसंद करती हैं? नहीं, आई एम मोर इनटू चिक फ्लिक्स, सो सीरीज, फिल्म्स, व्हाटएवर, ये हॉरर और थ्रिलर इस सबसे मैं दूर रहती हूँ। थ्रिलर नहीं पसंद आपको? बहुत ज्यादा अफेक्ट कर जाते हैं और अजीब हो जाता है कुछ। कराची शहर में रह के थ्रिलर नहीं देखती। हाँ, मतलब इनफ हो जाता है ना, मसलन आपको फिर डर लगना शुरू हो जाता है, मतलब अजीब सा माहौल हो जाता है, इजी वैसे इतनी टेंशन। मसलन जरा एक्सप्लेन करें प्लीज, एलैबोरेट। क्या मतलब क्या ऐसा क्या माहौल क्या हो जाता है बताएं ना? मतलब ऐसे होता है कि अभी आप एकदम दरवाजा, अभी आप अपना मुंह धो रही हैं, पीछे एकदम उठी हैं, आपको शीशे में कोई और नजर आ जाएगा। हॉरर तो मैं देख ही नहीं सकती। नहीं देख सकती? देयर इज एब्सोल्यूट कोई सीन ही नहीं है हॉरर का। अच्छा, मैं जॉन विक टाइप वायलेंस भी नहीं देख सकती। मेक्स मी नॉशियस। या कांट डू इट, मेक्स मी नॉशियस, सो यू नो इट हैज टू बी लाइट। जबकि आई एम मैरिड टू अ डायरेक्टर, सो बेचारे को सब कुछ देखना पड़ता है, वो देखते हैं, बट आई जस्ट कीप इट वाइट। बट साहब की कौन-कौन सी फिल्में देखी हुई आपने? JPNA। अच्छा, क्या नाम था भट्ट साहब का JPNA में? ये नहीं मुझे याद। अच्छा, क्या रोल था उनका? मुझे याद रहती है। रोल क्या था भट्ट साहब का? अरे मैं याद हूँ ना, बस ठीक है। क्या रोल था भट्ट साहब का JPNA? दोस्त ही होंगे किसके? शुक्र है दोस्ती का। मुझे मूवीज नहीं याद रहती। या बट आई वॉच, मैंने बहुत ज्यादा पाकिस्तानी फिल्म्स भी नहीं देखी। आई विल एडमिट दैट आई वॉच जवानी फिर नहीं आनी, ओके, लंदन नहीं जाऊंगा। नहीं दोनों देखी। एक ही थे? नहीं दोनों में वही थे। क्या मतलब? नहीं, वन और टू में बहुत फर्क है। टू में एक स्पेशल पेरेंट्स की वजह से। बैंकॉक वाली देखी थी या? दोनों देखी थी। हाँ दोनों देखी थी सर। She has absolutely no idea what happened in JPNA. मगर एक मिनट, तुमने नहीं हमजा वाली देखी थी? हमजा वाली दोनों में था। हमजा एक में एंड में था, और एक अच्छा जिसने बैंकॉक वाली देखी। पहले वाली देखी है, पहले वाली। बैंकॉक वाली। अब ये भी नहीं याद आपको कि बैंकॉक पहली वाली? बिल्कुल कोरा हो जाता है उसके बाद। हां, देन पंजाब नहीं जाऊंगी, लंदन नहीं जाऊंगा, मौला जाट, एंड बिकॉज़ आई वाज रीसेंट एंड आई वॉच्ड इट थ्राइस। इनमें से बट साहब सब में तो नहीं थे वैसे? नहीं, बट साहब नहीं, मैं तो जेनेरिक ही था। मैं दो में नहीं था। मैं जनरली बता रही हूँ। वैसे आप इसमें क्यों नहीं थे? इसमें इसमें मौला जट में, हालांकि उसका दोस्त था। हाँ यार, हालांकि आपको होना चाहिए। मैंने था भी बिली को ये पूछा, बिली मैं क्यों नहीं था मौला जट में, बताओ। हाँ। जरा फारिस को ले लिया उन्होंने। ऐसा तो नहीं है कि आप थे और आपको काट दिया? एक्चुअली दैट्स ट्रू। व्हाट? नहीं, दैट कांट बी ट्रू। नो नो, मौला जट आई थिंक आई थी भट्ट साहब के पास। उस टाइम पे आई वाज डूइंग लंदन, नहीं पंजाब नहीं जाऊंगी। अच्छा, लेकिन आई थी आपके पास? जी जी। बट यू नो, बाकी में कौन सा रोल आया था? एक्चुअली फारिस वाला आया। बाकी में आया था? या मिल गया, मिल गया। तो पता नहीं है। आई थिंक एवरीबॉडी नोस दैट। व्हाई डिड यू डू इट? बिकॉज़ यू वर डूइंग द अदर वन? नो, आई थिंक रियली, सो यू डिड नॉट डू मौला जट बिकॉज़ यू वर डूइंग लंदन? नो नो, इट वाज बिलीज डिसीजन। बिली वांटेड अ डिफरेंट टेक ऑन द कैरेक्टर, एंड मैं भी उसमें था।
Faris bhi tha. Faris came after me. And I tested for the role, but they went for Faris. And he did a fantastic job. ठीक है यार. Good on बात सारे. You know like the film did so well कि अभी हम भी कुछ films बनाने की बात कर रहे हैं और वो तो जिस एक्टर के पास आप जाए ना तो कहते हैं प्रोडक्शन लेवल क्या है. इज इट लाइक मौला जट. देखिए मैं मौला जट भाई मौला जट भाई आप देखिए मौला जट 9 साल में फिल्म बनी है और जितना उस पर मेहनत और एफर्ट हुआ है या तो उस लेवल की फिल्म के लिए आप उतना टाइम भी निकालें. हमारे पास टाइम कम है, हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम है और जो लोग पैसा लगाते हैं ना वो फिर एक्सपेक्ट भी करते हैं कि यार जल्दी जल्दी पैसा आए. फिल्म वाकई यहाँ पाकिस्तान में फिल्म बनाना ये वाकई पागलों का काम है. ठीक है. आप 15-20 करोड़ रुपया जो पहले आप 10 करोड़ की फिल्म बनती थी वो अब 20-25 पे चली गई. अच्छा मेरा आप दोनों से एक सवाल है वैसे. जी. Do you guys think कि हमारी फिल्म इसलिए नहीं चलती बिकॉज पीपल डू नॉट वॉन्ट टू सी टेलीविजन एक्टर्स ऑन द सिल्वर स्क्रीन. नो नो बट हमारी फिल्म चलती है. नहीं, हमारी मतलब फिल्म बहुत वो रेशियो नहीं है चलने का. बनती कम है ना हमारी. अगर आप देखें अच्छी फिल्म तो सारी चलनी चाहिए. हैं फिर तो सारी सारी थोड़ी चलती है. सारी तो पूरी दुनिया में किसी इंडस्ट्री की फिल्म. लेकिन हमारी अगर इतनी छोटी चलती है अगर आप बड़ी मुश्किल से लोगों को. आई थिंक अगर आप जितनी फिल्में पाकिस्तान में बनती है उसकी परसेंटेज देखें जो चलती है रफली बट साहब इतनी होगी. देखें फिल्म चलती है पाकिस्तान में रिपीट बिजनेस पे. हमारे पास बहुत छोटे ऑडियंस हैं जो सिनेमा गोअर्स हैं बिकॉज सिनेमा की टिकट आम बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता. 1200-1500 रुपए की एंटरटेनमेंट है जो कि एक आम बंदा पहले सिनेमा होता था मैसेस के लिए कि आप 50 रुपए में भी जाके फिल्म देख रहे हैं. अब सिनेमा जो है वो लग्जरी बन चुकी है. मल्टीप्लेक्सेस में आप बैठ के आपने फैमिली के साथ हम लोग जाते हैं तो हमारा 5-10 हज़ार रुपये खुल जाता है फैमिली के लिए जी पॉपकॉर्न शॉपकॉर्न खा लिए. तो या तो आप इसको थोड़ा सा मैसेज के ऊपर लेके आएँ आपका जो सर्किट वाला होता था उसके सिनेमाज को बेहतर करें. जब तक आपके पास सिनेमाज नहीं आएंगे ना नंबर्स नहीं आएंगे आपकी फिल्म. मौला जट ने देखें इंटरनेशनली बहुत अच्छा बिजनेस किया. उसकी सेविंग ग्रेस भी इंटरनेशनली थी. लोकल से भी उसने अच्छे पैसे कमाए. 100 करोड़ तो टापा है लोकल. सर 100 करोड़ टापा है क्योंकि फिल्म बहुत बड़ी थी. अगर आप बड़ी फिल्म भी बनाए ना फिर या फिर उतना आप मतलब पावा भी करें कि जी हाँ मैंने अच्छी फिल्म बनाई है और मतलब टॉप गन की तरह उसे नहीं रिलीज की. उसने कहा जी सिनेमा में ही. बट इट्स वेरी अनफॉर्चूनेट बट यू नो यू मेड अ गुड फिल्म. Yeah, but what you said also plays a part because aap un actors ko television pe free YouTube pe dekh hi rahe hain to aap unko agar badi screen pe dekhne ja rahe hain they need to be doing something extraordinary. Dekhiye main is cheez mein zarur believe karta hu ki jo cinema ka pull hai na because that's paid entertainment uske liye ek charm hona chahiye कि आप किसी को देखने जा रहे हैं. हुमायूं सईद को अगर आप देखने जा रहे हैं क्योंकि वो टेलीविजन पे आपको इतना नहीं नजर. एलिमेंट ऑफ मिस्टेक भी होना चाहिए. मिस्टेक भी होना चाहिए. सरप्राइज भी होना चाहिए ताकि आप आपकी बात कई हद तक ठीक भी है कि जो हर उस टीवी पे आ रहा है वाकई लोग नहीं जाएंगे उसके लिए कि अच्छा जी आए थे टीवी पे या मतलब आ रहा होता है. लेकिन अगर फिल्म अच्छी है सबसे बड़ी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ फहद मुस्तफ़ा की फिल्में बहुत अच्छी होती हैं और वो सिनेमा पुल करता है तो फिल्म के ऊपर भी डिपेंड करता है कि फिल्म कितनी अच्छी है. ठीक है बिल्कुल सही हो गया. बहुत सीरियस कॉन्वर्सेशन हो गई है. अच्छी 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 सीरियस कॉन्वर्सेशन थी. मूव करते हैं हमारे एक सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है डेंजर डेक. ये किसने नाम रखा? ये हमारी टीम ने. ओह यू डेकी डेक. इट्स अ रैपिड फायर सेगमेंट. ओह ये तो पहले कभी नहीं हुआ. पहले पहले एक मिनट. ये तो पहले कभी भी नहीं हुआ रैपिड फायर. लेकिन क्या होता है? हाउ डू यू प्ले दैट? अनहोनी बात क्या है? अनहोनी बात नहीं ये सवाल है या मैं आप अच्छा शुरू भी करते हैं रैपिड फायर. अनहोनी बात इस सेगमेंट की ये है कि एक ही सवाल मैं आप दोनों से पूछूंगा. मतलब कंजूस पैसे बचा रहे हैं कि उन्होंने कहा नहीं यार ज्यादा टाइम नहीं लगा. एक ही सवाल आप दोनों से पूछूंगा. ये हम ट्विस्ट लेके आए बीच में. वाह वाह ये और कोई नहीं कर रहा. ठीक है ये एक ही सवाल दोनों से पूछेंगे. एक ही टाइम पे रिसाइकिल कर रहे हैं सवाल. एक ही टाइम पे पूछेंगे. एक ही टाइम पे दोनों से. मतलब बदतमीजी भी कर रहे हैं. रिसाइकल किसने पहले देना है? जिसकी मर्जी. अच्छा चले आप. ये क्या बात हुई. और जो आप पहले दे दे फिर रैपिड फायर तो नाम होना चाहिए. तो इसका नाम होना चाहिए रैप्टा फायर. चलो जी रेट द फॉलोइंग एक्टर्स इन टर्म्स ऑफ देयर. ओ यार ये तो कभी नहीं किसी ने पूछा. एक्टिंग स्किल्स. अच्छा बताएं. फवाद खान. ओके. हुमायूं सईद. ओके. फहद मुस्तफा. ठीक है. अहमद अली भट्ट. अहमद अली भट्ट को भी डाल. अहमद अली भट्ट डालेंगे इसमें. फवाद खान, हुमायूं सईद, फहद मुस्तफा. फवाद खान, हुमायूं सईद, फहद मुस्तफा और फैसल कुरैशी. ऑप्शन और फैसल कुरैशी. अच्छा आप बात करें सिनेमा की या टेलीविजन की. यार एक्टर आपको क्या लगता है? एक्टर एक्टर नहीं होता. आई थिंक देखिए सबसे ज्यादा वर्सेटाइल इनमें इज फैसल कुरैशी. ठीक है क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा वर्सेटाइल काम किया. ठीक है ठीक है. Not और
नो वर्सेटाइल हुमायूं माशाल्लाह ही हैज टेलीविजन पे उन्होंने उतना वर्सेटाइल काम नहीं किया जितना फैसल भाई ने किया ठीक है जी हुमायूं भाई अगली फिल्म अभी नहीं बना रहे सर हुमायूं भाई आपके हीरो हैं आई लगता है कि अगली फिल्म हुमायूं ने पार की है देखें वर्सेटिलिटी सुना था बना रहे हैं वो वर्सेटिलिटी अगली फिल्म वासे के साथ सुना था वो बना रहे हैं कुछ है इस तरह की कोई खबरें आ रही थी वर्सेटाइल इसीलिए हुमायूं जो है वो नंबर 2 पे आ गए ठीक है हाँ तो मैं कहूंगा कि वर्सेटाइल जो है वो फैसल कुरैशी है बाकी आपने कहा है रेट एज इन एन एक्टिंग तो वो होगा फवाद मुस्तफा सईद वो एक्टर है फवाद मुस्तफा सईद आई समझ अच्छा कह रहे थे ये सवाल कभी नहीं सुना लेकिन जवाब इनको शायद देना नहीं आया फवाद मुस्तफा सईद अच्छा एक ही एक्टर आप चार एक्टर्स के मैंने आपको नाम बताया मैं ये नहीं कर सकती बहुत सीरियस है ना मुझसे क्यों यार क्या हो गया अच्छा देखिए पहले ही बता रही हूं तो मैं बहुत ज्यादा टीवी नहीं देखती ठीक है बट व्हाट आप इनको जानती हैं चारों को हां मुझे इन सबका पता है कौन है जानती है ना आप इन चारों को ऑल ऑफ कोर्स बट लाइक यू नो इन टर्म्स ऑफ आई हैवंट फॉलोड ऑल देयर वर्क ओके बट आई थिंक दैट अच्छा फैसल भाई को भी काउंट करना है ना इंडस्ट्री में आने के बाद आपके अंदर एक नेगेटिव तब्दीली जो आई हो देखे ना अभी लाए ना सवाल पे नेगेटिव तब्दीली डोंट ट्रस्ट एनीवन ये आप मतलब के हाँ कि हर एक को ट्रस्ट नहीं करना चाहिए ठीक है यू टॉलरेंस टू बुलशिट हैज गॉट डन द ट्रिक नाउ आई एम लाइक आई वेंट टू द सेट इट वाज शिट आई केम बैक होम ठीक है यार आपको क्या लगता है कि किसने इंडस्ट्री में बहुत कुर्बानियां दी अपने आप को मनवाने के लिए स्ट्रगल किया है बड़ा यार बहुत लोगों ने किया है टू बी ऑनेस्ट देखिए हर एक्टर की अपनी अपनी जर्नी है आई थिंक जो मैंने जिसको वाकई ग्रो करते हुए देखा है ओवर द टाइम एंड माशाल्लाह ही इज डन वंडर्स फॉर हिमसेल्फ आई थिंक फहद हैज डन वंडर्स ऑफ कोर्स ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स but to see his journey it's remarkable usi tarah I think imran ashraf he is doing some amazing work phir gohar ki bhi maine journey dekhi hai it's fantastic to bahut log hain jinhone waqai hi aur wo ye wo log hain jo mainstream ke log nahi hain ye wo log hain jinhone waqai over the period of time role se apne aap ko manwaya hai bilkul overnight success nahi ji overnight nahi maryam yeah I agree to what he's saying that there are a lot of people in terms of I agree to his the names that he's taken but also I feel like ahmed ali akbar also ahmed ne yes, bhi bahut yeah of course ahmed. yeah ahmed actually ahmed ke sath maine abhi ek film bhi ki hai inshallah wo aane wali hai it's called gunjal जिसमें रेशम जी भी हैं जी जिसमें रेशम जी भी हैं एंड अहमद की मुझे क्योंकि आई हैव बीन फॉलोइंग अहमद फॉर अ लॉन्ग टाइम अहमद इज एक्चुअली अ वेरी ट्रू मेथड एक्टर इन अ ट्रू सेंस कि वो एक तो अपने गेटअप को सीक्रेट भी रखता है वो सोशल मीडिया पे भी नहीं आता इतना और वो वाकई उस पीरियड तक उस कैरेक्टर में रहता है जो कि अनोइंग भी होता है क्योंकि आप फिर अहमद से बात ही कर रहे होते हैं आप कहते हैं यार है कि मगर he is very true to his art ठीक है शादीशुदा जो लोग होते हैं उनके तीन मसाइल जो शादी से पहले नहीं होते ये तो आपको पता होना चाहिए आती तो आड़ी शादी नहीं क्या शादीशुदा अच्छा ये फिर से ये आप पहले ये जवाब देंगे जी मरियम आप बताएं क्योंकि आपकी नई शादी हुई है हाँ आप ज्यादा बेहतर बता सकते ओके शादीशुदा लोग जिनके मसाइल तीन मसाइल जो शादी के बाद पेश आते हैं पहले नहीं होते पहले नहीं शादी के बाद तीन मसाइल पहला तो एक ये कि आपकी आप एज बीइंग अ गर्ल मैं बात करूँगी यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू यू नो केटर टू योर सेल्फ
आपने खुद अपने आप को कैसे इस इंडस्ट्री में लेके चलना है, मैं लड़की और बीइंग इन द इंडस्ट्री की बात कर रही हूँ, देन यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपके ऊपर एक हमारी माशरे में कंधों पे बोझ होता है ख़ानदान का, ख़ानदान की इज्जत का एक वो, बट देन आई फील लाइक ऑल्सो सिंस माई हस्बैंड इज़ ऑल्सो नॉट डायरेक्टली इन दिस इंडस्ट्री बट ऑल्सो ही इज़ अ एड फिल्म मेकर, सो वो एक एडेड फैक्टर हो जाता है कि कोई गलत बात या कोई ऐसी चीज़ मिसकंस्ट्रक्ट होके जो है ना वो ऐसा ना लगे, क्योंकि आई ऑल्सो फील लाइक आई हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स हिम ऑल्सो इन सम वेज, सो आई फील दैट इज वन थिंग जो उससे पहले नहीं होते, बाकी सब तो पहले भी मसाइल बहुत थे भाई. बच्चा सर शादी के बाद मसाइल होते नहीं हैं, पैदा हो जाते हैं अगर आप, क्योंकि आई बिलीव इट्स टीम वर्क, और कोई भी चीज़ जब तक टीम वर्क के साथ सॉल्व हो सकती है तो मसाइल नहीं होते. हाँ अप्स एंड डाउन्स होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, डिसएग्रीमेंट्स भी होती हैं, बट एज लॉन्ग एज यू विलिंग टू वर्क देम आउट आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ मतलब शादी. ठीक है, अदरवाइज फिर तुसी सोलो. अच्छा विद इन द इंडस्ट्री आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है, अब जल्दी जल्दी बताएं, थोड़ा सा हमने रैपिडली करना है इसको, आप ज्यादा ना सोचिए. फॉर द लॉन्गेस्ट वो भी आप यार आई थिंक फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम बिकॉज मी फवाद एंड वासे हम लोगों ने तीनों ने अपना करियर एक साथ स्टार्ट किया तो वी आर स्टिल इन टच. ठीक है, इंडस्ट्री की सबसे गुड लुकिंग एक्ट्रेस कौन सी लगती हैं आप? या बहुत उफ आपने पास्ट की, क्योंकि देखिए मेरा बचपन का क्रश बाबरा शरीफ है एंड आई लव बाबरा जी. ठीक है, तो मुझे बचपन से वही याद है. ठीक है, आपको इंडस्ट्री के सबसे गुड लुकिंग एक्टर कौन लगते हैं? एक्टर एक्टर मेन यार, मुझे भी एक्ट्रेस बोलना है यार. हां भाई, एक एक्ट्रेस भी बताएं और एक एक्टर भी बताएं. अच्छा ले, ये कर रहा है, मैं बता. अच्छा मुझे हिना आपा और मरीना आपा बहुत प्यारी लगती हैं, आई थिंक दे आर स्टनिंग. ओके, मेल एक्टर्स में हुमायूं सईद हैं? नहीं, मुझे बड़ा गुड लुकिंग हुमायूं सईद. मेल एक्टर्स हमारे बहुत प्यारे प्यारे लड़के हैं यार. चलो नाम ले लें फिर. ओबी, अहमद, फवाद, अहमद अली अकबर. You have a lot of theek hai. Most underrated actor and actress according to you? Yeah, that's true. Kya? Most underrated actor and actress? Allah. I think actors mein underrated mein main kahunga ab nahi, pehle tumko. और एक्ट्रेस नहीं, देखें अहमद, अब अहमद हो गया, एवरीबॉडी नोज कि ही इज अ गुड एक्टर. मैं अब की बात कर रहा हूं, अभी आई थिंक के मतलब के वो लोग जिन्होंने बाकी आना है, वो फ्रंट पे आना है, तो यासिर आई थिंक एक ऐसा बंदा है क्योंकि मैं उसकी एक्टिंग भी देखता हूं. ठीक है, मुझे लगता है कि वो और लड़की औरतों में आई थिंक शी इज नॉट डन टू मच वर्क. जी जी, देयर इज दिस गर्ल कॉल्ड तमकिनत, हर गर्ल पर नजर. हाँ, बिकॉज वो ब्लॉग्स वगैरह भी करती रहती है और शी डज स्टैंड अप आल्सो. आई थिंक शी इज अ फिनोमिनल एक्ट्रेस. ओके, आप मरियम? द सोन. दुनिया का स्लोस्ट रैपिड फायर सेगमेंट क्या यार, मुझे मैं ड्रामे ही नहीं देखी, नई वाले मुझे पता नहीं. अच्छा चले, आप बता दें नेटफ्लिक्स पे कौन अच्छा है सबसे? अच्छा वैसे आई थिंक इफ समबडी डिजर्व्स टू मेक इट बिग इट्स हाजरा. हाजरा यामीन, सर हाजरा, आई थिंक शी इज अ फिनोमिनल एक्ट्रेस. ठीक है, ख्वातीनों ज़ात, दुनिया का स्लो तरीन रैपिड फायर सेगमेंट यहाँ पे इख्तिताम पज़ीर होता है. आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, आपने कहीं नहीं जाना क्योंकि उनते शेरवानी भी खुल गई है, शेरवानी भी खुल गई है, ते रोटी भी खुलने वाली है. एमिली बट इज हियर, मरियम नफीस इज हियर, वी विल सी यू आफ्टर अ रियली शॉर्ट ब्रेक. वेलकम बैक यार, ईद है, आप बैठे में. वेलकम, पहले वेलकम बैक, वेलकम बैक भाई जी. जी सर बताइए. वेलकम बैक यार, आप बैठे में कोई गाना शाना नहीं हो रहा, क्या हो इसकी, क्या वजह? मैं कोई आपको यहाँ कोई चाहत फतेह अली खान लग रहा हूँ तो मैं आपके लिए हेलो, क्या हाल है? ईपी 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 मुके कोई 12 साल हो गए.
हूँ तो याद है कि मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ हमारी एक यंग टैलेंट के साथ। अच्छा, यंग म्यूजिक सेंसेशन, अवार्ड भी जीत चुकी हैं और इतना जबरदस्त गाती हैं, अभी आके जब आपको गाना सुनाएंगे ना आप हक्का बक्का रह जाएंगे। प्लीज मेरे साथ तालियों में इस्तकबाल करें हादिया हाशमी का। ईद मुबारक हादिया, क्या सुनाएंगे आज आप हमें ईद की मुनासिबत? मैडम नूर जहाँ के एक रिश्तेदार भी हैं आज यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको जरूर जानती हूँ। चलें। जे मैं हुंदी ढोलना हो ढोलना सोने दी तबीतड़ी, जे मैं हुंदी ढोलना हो ढोलना सोने दी तबीतड़ी, गंदी कलना लग के तेरे थैंक यू सो मच हादिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपने भी जाना नहीं, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, आओ बैठो जरा हमारे साथ। अल्लाह बिचारी नहीं, बिकॉज मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। आपने अल्लाह हू गाया था और बड़ा खूबसूरत गाया था, और आपको मैं पर्सनली कहूँगा कि आप माशाल्लाह माशाल्लाह जितनी आपकी रेंज है, आपको अब प्रोफेशनली इस चीज़ को 100% करना चाहिए। देते अनप्रोफेशनली आई है। नहीं, आई थिंक क्योंकि बच्चों को ये बड़ा होता है ना कि यार एक तो यहाँ हमारे यहाँ हम लोग वाकई ही अपने नए टैलेंट को सपोर्ट नहीं करते म्यूजिक में स्पेशली, और क्लासिकल म्यूजिक अब आहिस्ता आहिस्ता फेड आउट हो रहा है। बिल्कुल, लेकिन क्लासिकल के रूट्स कभी भी ख़त्म नहीं हो सकते, बिकॉज जो लोग सुर के पक्के हैं ना वो देयर गोना बी ट्रेंड्स आते हैं, ट्रेंड्स मतलब जाते हैं, लेकिन जो लोग वाकई सुर के पक्के हैं ना वो हमेशा रहते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, द वे दैट यू आर सिंगिंग इज फिनोमिनल, कीप इट अप। थैंक यू आदिया, थैंक यू। माइक का आप हमें दे के जाएंगी, और आपने जाना कहीं नहीं है, हम आपको थोड़ी देर बाद दोबारा इनवाइट करेंगे और फिर आपने हमें एक और गाना सुनाना है, ठीक है? क्या बात है, ठीक है। थैंक यू हादिया, थैंक यू। मरियम, आपको गाने का शौक है या नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। कोई हो जाए थोड़ा सा वैसे, कोई भी गाना यार, क्या हो गया? गिर ही ना जाए। अच्छा थोड़ा रैपिंग शैपिंग हो जाए थोड़ी। यार आप क्या मतलब, एक तो यार क्या हो गया यार, यार 40% इंक्रीज कर दो यार। पैसों की बात नहीं है। अच्छा बैठे सर, मैं आपको गाना सुनाए। चले अच्छा, तो आपके लिए गाना एक पेश कर, प्लीज। ईद का दिन है। हाँ, हे हे कल जब देखा मैंने झांझरों के में उसको किया सलाम तुम्हारे धोखे में, कल जब देखा मैंने झांझरों के में उसको किया सलाम तुम्हारे धोखे में, रात अच्छा
क्यू पे आप रैप नहीं कर सकते, मैंने देखा है। नहीं सर। क्यों? उसके लिए बहुत ज्यादा पैसे लेता हूँ। बहुत पुराने भी हो गए हैं। हाँ मतलब अब रैप यार, मतलब रैप अब कौन सा वाला, अब तो आपको पता है यंग स्टनर्स आ गए अब तो। हाँ हाँ। नए रैपर्स आ गए। ठीक है। मोरू, मोरू इज अ गुड रैपर। ठीक है। ओल्ड स्टनर्स का टाइम गुजर गया। ओल्ड स्टनर्स भी अब हमारे से ज्यादा ओल्ड, तो फिर आपको पता है ये ठीक हो गया। बहरहाल जी, अब एक गेम का वक्त हुआ, एक और गेम का। ये आप देख रहे हैं बोल, दिस इज एसेंशियली अ गेम वेरी सिंपल व्हिच इज कॉल्ड ट्रुथ और डेयर। एक पर्ची आप, एक पर्ची आप, लेट्स बिगिन। ओके, पढ़ के आप सुनाएंगी मरियम। क्या है क्या ये? बकरे के साथ सेल्फी पोस्ट करें ऑन इंस्टाग्राम। ठीक है, बकरा लाइएगा भाईजान। चलें। हो जाए जी, हो जाए मरियम, हो जाए। ये मरियम के लिए भी तालियां और बकरे के लिए भी तालियां। आ जाओ, आओ पिक्चर खींचे। वो डर रहा है मुझसे, ये मार तो नहीं देगा मुझे। नहीं नहीं, आओ पिक्चर खींचे। ये देखो, ये क्या है? ये देखो, हेलो, हाय, ये देखो, हेलो। थोड़ी देर में तुम ज़िबा होने वाले हो। यार आप बहुत खराब। वेल डन मरियम। वेरी नाइस जी। थैंक यू, थैंक यू। बट साहब आपकी बारी। ओके। कोई ऐसा सीक्रेट जो आपके पार्टनर को भी अभी तक नहीं पता। ओ, अभी हमें कैसे पता चलेगा? ये कोई ऐसी बताएंगे बात ना? मतलब है कि कोई ऐसी बात जो कि मेरी बेगम को नहीं अभी तक पता। हाँ, बड़ी बातें हैं ऐसी। मसलन मसलन एक दफा ये लंदन में हुआ था मेरे साथ, और मेरी बेगम को वाकई नहीं पता। एक बंदे ने मुझे कहा कि मेरे से लैपटॉप ले लो, मतलब वो मतलब सड़क पे ही खड़ा था। तो मैं उस टाइम पे नया नया, मुझे शौक हुआ कि बंदे ने ना मुझे कहा कि जी मेरे पास नया लैपटॉप है, उसने गाड़ी शाड़ी पे मुझे चेक कराया। हाँ। और मुझे कहता है सिर्फ 50 पाउंड के अंदर ये तोशिबा का ब्रांड न्यू लैपटॉप। मैंने कहा अच्छा जी, वाह वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात। था? नहीं नहीं, गोरा था। ठीक है। मैंने कहा ओके, डन डन, ये वो दिस एंड दैट। उसने ना ट्रिक मेरे साथ क्या की, उसने ना कहा कि मैं तुम्हें ये ब्लैक बैग के अंदर लैपटॉप डाल के दे रहा हूँ, और ये सारा कुछ सील करके उसने ना मुझे यूं करके बैग दिया, और मैंने उसे बैग लिया, और मैं आराम से ना यूं करके अपने अपार्टमेंट की तरफ गया हूँ कि यार कहीं देखना लेके आया हूँ कोई चोरी का लैपटॉप हो। मैं जाके जब खोला तो उसके अंदर माल्टे थे। तो मैंने 50 पाउंड के माल्टे लिए थे। उसने बड़ी क्लेवरली, उसने बैग जब निकाला ना तो उसके अंदर लैपटॉप नहीं था। तो उसने बड़ा क्लेवरली कहा कि भैया इसके अंदर लैपटॉप है, और आई वॉज लाइक, तो ये मेरी बेगम को भी नहीं आता पता। चलो मेरे साथ ये हुआ। अब बढ़ गया ना, पाउंड ज्यादा हो गया। जी जी। मरियम आपकी बारी। मरियम ने बड़े देख के उठाई है। यूं करके कोई ऐसी पाकिस्तानी मूवी जो देखने के बाद लगा पैसे वेस्ट हो गए, ऐसी तो बड़ी है। मसलन यार वो कौन सी थी, टॉयलेट वाली? टॉयलेट द कमोड फिल्म दैट वी मेड फहद मुस्तफा की थी। नामालूम अफराद 2 पहली वाली। पहली वाली, पहली तो बहुत। हां पहली वाली नामालूम अफराद 2 थी। कमोड वाली तो 2 थी। नहीं नहीं, कमोड वाली 2 नहीं थी, पहली वाली भी तो कमोड वाली थी ना। अच्छा पहली आई डिडंट लाइक, जिसमें जलाओ घिराओ बहुत ज्यादा हो रहा था वो। अच्छा वो कायदे आजम जिंदाबाद। नहीं, नामालूम अफराद। नामालूम अफराद, या आई डिडंट लाइक इट। You okay. didn't like the original Naam Aalum Afraad? Yeah, I didn't like the original one. Okay. People think, people didn't like the second one. Yeah. I didn't like the pehli wali bhi. Okay. Bank bank jo jalane ka aur wo saara. Haan, but I clearly remember not liking it. Varna to guzar hi jati hai. Okay. Oh, sing a Pakistani song. Oh, oh, oh. So, oh, yeah, dekhe, mic bhi rakha tha. Aap baat nahi maan rahe the, usne parchi pe likhwa ke le aaya. Ab to gana hi padega. Okay, ji. ये गाना मैं डेडिकेट करता हूँ वारिस बेग साहब को। ओके। और आपको जी शुक्रिया। आ प्यार दिल में जगा, आहा प्यार दिल में जगा, आ धड़कनों में समा, तुझको कसम मेरी जाना, आके न फिर दूर जाना। Come close to me you darling, come don't go anywhere my love, you don't know how much I have wanted you.
did your Christmas. यार वेल डन, जबरदस्त यार बात। बकरे को घर भेज दे। नहीं क्यों? मेरे क्यों जाएगा घर? बकरे की कढ़ाई जाएगी घर। आपकी बारी अगली। नहीं नहीं सर, हम क्यों बल्ली चढ़े जा रहे हैं? अच्छा पिंक निकाला, इसको पता था कौन सा। बकरे को प्रपोज करें यार, मैं अच्छा लगूंगा बकरे को। That would be मैं अच्छा लगूंगा। सर ये तो आप करना पड़ेगा। मैं अच्छा लगूंगा बकरे। अच्छा आपने बकरे को प्रपोज करना है, प्रपोज बकरे को आपने प्रपोज करना है, लेकिन आपने बकरे को प्रपोज करना है इमरान अशरफ की स्टाइल। मैं कैसे कर सकता हूँ यार? सर आपको अच्छी तरह पता है, आप इमरान अशरफ के बड़े अच्छे ड्रामे देखते हैं। चले शाबाश, चले आए। ये है भी वो बकरी मेरा ख्याल है। कब से पहले ही ना है मुझे लग रहा है। कब से कब से कब से मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ, मेरा दिल है तुम्हारे पास यार, तुम क्यों नहीं समझ रही हो? कब समझोगी तुम? कब 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 तुम मेरे प्यार का प्यार से जवाब दोगी? तुम मेरे प्यार का प्यार से जवाब क्यों नहीं दे रही हो यार? मान गई, मान गई, रिएक्शन दे दिया इमरान अशरफ आ गए। मान गई, वाह वाह वाह। अच्छा बड़ी स्टडी की आपने। किसको? इमरान को। ड्रामे इतने देखते क्या करें जी। मरियम आपकी बारी। बस ना, क्यों बस? ये लास्ट आ गए, ये लास्ट मेरा और ये लास्ट आपका। स्पीच ऑन एक्टर्स नॉन प्रोफेशनल बिहेवियर। आई कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन अबाउट दिस। ओके, किसको देनी है स्पीच? एक्टर्स को देनी है या जस्ट जेनेरिक? जब जेनेरिक। सो सबसे पहली बात तो ये कि वंस यू साइन अ प्रोजेक्ट, आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होता है कि आपने स्क्रिप्ट पढ़ी है, आपको पता है कि वो कैरेक्टर कैसा है। हर रोज़ हर दिन फसाद बनाना सेट के ऊपर कि ये मैं नहीं करूँगा, ये मैं नहीं करूँगी, भाई आप डायरेक्टर के साथ पहले बैठ जाएं, बाकी सबका भी आपने टाइम वेस्ट करना है करके। सेकेंडली आई फील लाइक कि एक तो टाइम पे ना आना इज़ कंसिडर्ड एज समथिंग दैट ओ आई एम लाइक यू ऑल आर लाइक ओ यू सिविलियंस, मैं बहुत लाइक कोई हॉट शॉट। नो दैट्स इट्स अनप्रोफेशनलिज्म, इट्स वेरी अनप्रोफेशनल एंड इट्स एन इंसल्ट टू योर एंटायर टीम। एग्जैक्टली, एंड यू नो इट डजंट मेक यू एनी बेटर, इट डजंट मेक यू अ बेटर पर्सन, इट डजंट मेक यू अ बेटर एक्टर। आप मैं बहुत अंग्रेजी हो गया ये तो। नहीं अच्छी बात है, बल्कि मैंने अभी हाल ही में अमिताभ बच्चन साहब ने एक पोस्ट लगाया हुआ था कि वो शूटिंग पे जा रहे थे, उनकी गाड़ी ख़राब हो गई, तो उन्होंने बाइक पे बैठ के एक रैंडम बंदे के साथ बैठ के उन्होंने उसका थैंक्स किया कि थैंक यू फॉर टेकिंग मी टू वर्क। एक बंदा अमिताभ बच्चन से तो नहीं आप बड़े हो सकते ना? अगर वो बंदा टाइम के लिए किसी से टैक्सी पे लिफ्ट मांग के काम पे पहुँच सकता है तो यू नेवर बिगर देन यू। उसमें बच्चन साहब को क्रिटिसाइज भी लोगों ने फिर करना शुरू, जो मर्जी करें सर, मगर हेलमेट नहीं पहनी थी। जो काम का पक्का है ना, जो काम का पक्का है यार, उनके बाल बने हुए थे, आई मीन मतलब नहीं तो नहीं होगा उनके पास हेलमेट। जो बंदा जा रहा होगा उसके पास नहीं होगी दूसरी हेलमेट। अच्छा जी मेरी वो ये की है, कभी आस्तीन का सांप पाला, किसी क्लोज फ्रेंड ने धोखा दिया। खलील रहमान कमर साहब ने नहीं लिखा सवाल, पता लग रहा है किसी ने बड़ा कोई अंदर कट के लिखा यार। देखिए इंडस्ट्री के अंदर ऑब्वियस बात है, ऐसी बहुत से इंसिडेंट्स होते हैं व्हेन यू डोंट गेट अलोंग विद समवन। लेकिन आई थिंक कि मैं इस चीज़ में काफ़ी लकी रहा हूँ कि जिन लोगों के साथ मैंने काम शुरू किया मैं अभी तक उनके साथ मेरा अच्छा है। हाँ ये है कि मैंने अब दोस्त कम बनाए। ठीक है, आई लर्न दिस इंडस्ट्री में कि काम वाले जो दोस्त होते हैं वो काम तक ही रहते हैं। इट्स इंटायरली अप टू यू कि आप किससे एफर्ट करके रिश्ते बनाएं, और इस इंडस्ट्री में वाकई ही जितने रिश्ते कम हो उतने ही बेहतर हैं। What happens when you don't get along with someone you're working with? When you're on set with someone? I keep to myself because एक तो मेरी अपनी personality बहुत loud है, I'm very friendly, I'm very energetic कह लें उस तरह। तो विद टाइम मैंने लर्न किया कि इफ आई डोंट गेट लॉन्ग विद समवन आई मेक श्योर कि उनसे मैं बात कम ही करूं। परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ता है? यस पड़ता है, ऑब्वियसली बात है। आपके आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी केमिस्ट्री होगी, आपकी परफॉर्मेंस और अच्छी होगी। बट यस आई बिलीव कि अगर अगला टीम प्लेयर है
तो आप ज्यादा बेहतर परफॉर्म करेंगे। ठीक है, चलें ऑन दैट नोट, वक्त हुआ एक और गेम का। चलें सर, वो पर्ची पढ़ो, पर्ची, वो जो पर्ची है चलें निकालें, वो जो वहां रखी है, अब मैं कह नहीं सकता टीवी में कहां रखी है, मगर निकालें वहां से, ये तशरीफ से निकालें। सबसे बड़ी झूठी इन इंडस्ट्री। ओहो, बताएं कौन? बहुत मजा इकरा जी। नहीं, दैट वाज अ ड्रामा। No, no, that was a drama. हो गया, no, no, no. Absolutely. You were also in that drama, right? You were also that. Yes. यार ये देखे, यार ये मुझे credit ज़्यादा है यार, कैसा नाम भी है यार। तुम duty में थी ना? आपने इतना easy कैसे? मेरा तुम्हारा कोई scene ही नहीं था duty में। आपने इतना easy कैसे छोड़ दिया? भाई, I just want to clarify, duty इकरा अजीज का drama जिसमें ये दोनों थे। है मेरे तुम्हारे वाकई कोई सीन नहीं था। अच्छा, आप दोनों को ये नहीं पता था आप दोनों एक ड्रामा? नहीं, हमने करके भी नहीं देखा। नहीं, मैंने झूठी देखा था, मैंने दो तीन एपिसोड देखी थी। ठीक है, अगली गेम है व्हाट्स ऑन माय हेड। ये आपके कार्ड्स हैं, वो आपके कार्ड्स हैं, आप दोनों ने एक दूसरे को गेस कराना है कि क्या लिखा हुआ है माइंड। ओह सर, मैं इसमें बहुत हूं। चलें जी, गेम स्टार्ट्स नाउ। कौन पहले गेस कराएगा? चलो आप व्हाट्सएप, आपने देखना नहीं, आप चीटर हैं। नहीं देखा भाई, क्या हो गया? चले, तुझे कैसे पता लगा? मुझे पता आपके बारे में। अच्छा जी, रेडी? ओके। बकरा, बकरे का कुर्ता। अच्छा, कलेजी। अच्छा हाँ, बकरे की चांपें, बकरे की चांप। वाह, बाकी रख दे। ये क्या मतलब है? चले आपकी बारी। ओके, पहले वहां भी दिखा दे। ठीक है, अच्छा आवाजें नहीं निकाली भाई, आवाज नहीं निकाली, माइम करना है। अच्छा, बकरा बड़ा, भैंस, गाय, भैंस, गाय, गाय, गाय की तुम। यस, वाओ, व्हाट अ ब्रिलियंट एक्टर। रैम्बो, आंखों पे पट्टी बांधी हुई है, इंसाफ का तराजू, इंसाफ का तराजू, तराजू। ओए, गुड जॉब, गुड जॉब, गुड जॉब, वेरी गुड। ओह, गेस करें, मानू मैं आपको। घर? नहीं, एक मिनट, सेट। थ्री वर्ड, फर्स्ट वन, सेट, शो, शो, घर, एक्सप्रेस, एक्सप्रेस, शो, चैनल। अच्छा, टू वर्ड, सेकंड वर्ड, ईट, खाना, खाना, फूड, थर्ड वर्ड, गली, रोड, हाँ, फूड, रोड, रोड स्ट्रीट, हाँ, फूड स्ट्रीट, लाहौर फूड स्ट्रीट। ये एंड गुड जॉब, गुड जॉब, गुड जॉब। थैंक यू सर, थैंक यू। ये वही मैंने जो आप करान चुके। ओके, रेडी? फूड, खाना, रोटी, स्लीप, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, डिनर, वेरी गुड यार, वो बोटा है, वेरी गुड। अच्छा, डिनर, नेकलेस, डिनर, नेकलेस, हार, डिनर, नेकलेस। नहीं, एक मिनट, एक वर्ड है, दो वर्ड है, एक वर्ड है, सेकंड वर्ड नेकलेस, पर्ल्स, इयररिंग, नेकलेस, पर्ल, डिनर, पर्ल, डिनर, पर्ल, डिनर, डिनर रोल, रोल, डिनर सेट, और तो सेट ये होता है, सेट, एक्चुअली मुझे ये करना चाहिए, हाँ, ये सेट, डिनर सेट, मुझे लगा दिस इज वेरी कॉमन, लाइक पीपल यूजुअली गेस इट, बट सेट, सेट ये होता है। मेरी बारी है? हाँ जी, आपकी बारी है। चलो जी, है क्या? वेरी स्पेसिफिक। अच्छा, थ्री वर्ड, वन, फर्स्ट वर्ड, ब्रेक इन टू टू, फर्स्ट वर्ड, मिरर, मिरर, ग्लास, मिरर, शीशा। यार यार यार, ये चीटिंग करते हैं, देखो देखो, आवाजें निकाले। सेकंड साउंड्स लाइक कम, शी कम, शीशम, शीशम, शीशम का पेड़। यस,
शीशम का दरख्त एक ही पहाड़ है, पेड़ और दरख्त भाई इतना तो होता है। ले चलो शीशम। एक्चुअली कुछ लोग हमें बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, सो लाइक जी सर। ओके दिस वन रेडी। ओके सोफा। There you go. There come, you come. Go. Sofa, come back. Yeah. Sofa, come back. Okay, ji. Yeah. Would have been quite easy and fun. Oh. Three words. First one. Yaar, ye dumb shirat thodi ho rahi hai. Needle. Sweet. Machine. Tailor. Taylor, master, master, Taylor, darzi, हाँ, darzi, second word, छोटा darzi की दुकान, ये, यार, यार कमाल हो गए, तोहफा लाना है इसके बाद, तोहफा, डम शरीर का चैंपियन भाई, है क्या? Okay, कितने words हैं? Three words. First word, ये production set. अच्छा बकरा, बकरा, बकरे, भैंस, गाय, बकरी, lamb, lamb, लेला, lamb, बकरी, बकरा, बकरी, भेड़, उर्दू में, sheep. उर्दू में करना है कि इंग्लिश में? उर्दू में। अच्छा लेला, बकरा, लेला, बकरा, दुम्बा, दुम्बे की कढ़ाई, दिल की आवाज, दुम्बे, बाल, बाल, दुम्बेल, दुम्बाल, दुम्बे, बाल, थ्री वर्ड। पहला वर्ड है दुम्बा, सेकंड वर्ड की का, दुम्बे के बाल, दुम्बे के बाल, हाँ तो दुम्बे के बाल मैंने कह दिया था, मैंने दुम्बे के बाल कह दिया था, दुम्बे के बाल, हाँ मैंने दुम्बा बाल, दुम्बा समझी, अबे दुम्बे के बाल ही कहा था, ये बड़ा कर रही है, मैंने कहा दुम्बे के बाल, दुम्बे के बाल, अभी मेरा एक रहता है, एक रहता है, चलो जी, what the hell is दुम्बाल, last go. Two words. First one. Numbers. Numbers. Counting. Accountant. Finance. Accountant. Finance. Banker. Second word. Scolding. Boss. Do something else. Acha. Second word. Huh. Nahin. Second word, break into. Okay. First one. T. Teacher. Student teacher. Teacher. First word. First word is teacher. No. No second word is teacher. Okay. First word. Counting. Math teacher. Yeah. यार मरियम तोहफा लाओ, तोहफा क्या जी? अच्छा यार मरियम मैंने दुम्बाल, दुम्बाल ये टेक्निकली मैं जीती हूँ ये वाला, बट चलें आप ये मरियम जीत गए हैं। क्या जबरदस्त आप लोगों ने गेम खेली है, अनफॉर्चुनेटली आपको एक्टर होना चाहिए था। कभी किसी ने चांस नहीं दिया, अनफॉर्चुनेटली वक्त आ गया आप लोगों। अच्छा आपका बटन बंद हो गया फिर से? मैं क्या खिलौते हैं ना, टिट नजर आएगा। हाँ जी अब वक्त आ गया है आपको अलविदा कहने का, इसलिए मैं सैड हो गई, इसलिए मेरी एनर्जी अब नीचे चली गई। यार आपने डांस भी नहीं करवाई है क्या सर? आपने गाना गवा दिया, डांस नहीं करवाया? आपको लगता है बड़ा शौक है डांस करने का? सर मुझे आप पता है मैं एंटरटेनर बंदा हूँ, तो आए ना प्लीज आप दोनों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मुझे ज्वाइन करें यहाँ पे। नहीं ऐसा नहीं, मैंने नोट लिखा, मेरा मूड बना बखाना आओ। आए जी यार, क्योंकि ईद का मौका है, सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपके जो लोग जो फैंस हैं आपके जो घर पे इस वक्त ये शो देख रहे हैं उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? प्लीज ऑल द कैमराज आर योर्स। चैनल चेंज करें। हाँ पांच मिनट के बाद। जी देखिए मैं ईद का मौका है, ऑल जोक्स असाइड ये मुल्क हमारा है और वाकई यही मुल्क है हमारे पास, तो
जो कुछ इस मुल्क में है, जैसा भी है, वो हमारा ही है, उसको अपनाएं, उसको संभाल के रखें और उसको एलिवेट करें, रादर देन कि उसको छोटी छोटी बातों में और छोटी छोटी चीज़ों में एक्सप्लॉइट जो हम कर रहे हैं। आई थिंक पाकिस्तान हमेशा सदा सलामत रहे, ये हमारी दिल की दुआ है, और इसी तरह हम लोग हंसते खिलते रहें, और अल्लाह करे कि डॉलर जो है वो 50 रुपए पैदा हो जाए। आमीन आमीन आमीन। मरियम आप क्या कहना चाहेंगी? आए ना, आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक, आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद का मौका है, अगर कोई आपसे नाराज़ है आपके प्यारों में, आपके दोस्तों में, प्लीज़ उनको मना लें। अपनी कुर्बानी, आप तो आई एम प्रिटी श्योर जो भी लोग सारा साल गोश्त खाते होंगे, प्लीज़ उन लोगों को दे दें जो डिज़र्विंग हैं। लोगों के गेट्स के आगे प्लीज़ गंदगी मत फैलाएं। और दिस इज़ अबाउट गिविंग बैक टू द कम्युनिटी, सो जितना ज़्यादा आप यू कैन टेक केयर ऑफ द पीपल अराउंड यू, प्लीज़ डू दैट। क्या जबरदस्त मैसेज। अब हसन साहब आप भी मैसेज दे दें। मैं ये मैसेज देना चाहूँगा, सबसे पहले तो मैं आप दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, सबसे ज़्यादा मैं लाहौर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने जैसे मैंने अपने शुरू इंट्रो में कहा था, उन्होंने हमें ओपन आर्म्स के साथ यहाँ पे वेलकम किया, बड़ा प्यार दिया। एक्सप्रेस प्रोडक्शन जिंदाबाद। और ऑन दैट नोट मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारी टीम को, यार एक अच्छा सा गाना बजाएं ताकि हम बट साहब के कोई स्टेप्स भी करें। सर, लड़की दरमियान में आ गई है, आए। चलो Back.